हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे दो दिग्गज शेयरों के बारे में बात करने वाले जो निफ्टी 50 का पार्ट बहुत लंबे समय से हैं। ओके, उन शेयरों को B2 के नाम से जाना जाता है और वो शेयर ने लोगों को करोड़पति बनाया है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। ऑलरेडी मैं उनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, दोनों के बारे में इंडिविजुअल थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। ओके, आज उन दो शेयरों से रिलेटेड ही बात करेंगे और उन शेयरों से रिलेटेड बात करने के लिए ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अभी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। ओके, और पता नहीं मार्केट कब गिर जाए, कब बढ़ रहा है। ओके, आपको कुछ नहीं पता। और अभी 10 रुपये पेनी स्टॉक, ओके, स्मॉल कैप, ओके, और ये मिडिल कैप, इस तरीके के स्टॉक में रहने से अच्छा है कि आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बहुत बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक्स में रहे, क्योंकि आप अगर मार्केट गिरता भी है तो आप उसे और ख़रीदें और ताकि वो शेयर आपको फ्यूचर में, ओके, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। तो ऐसे ही दो शेयर से रिलेटेड बातें करना चाहेंगे। तो बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस तरीके के बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं पेश करता रहूँ। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है बट आपको फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दो शेयरों से रिलेटेड। तो पहला शेयर है बजाज फाइनेंस। आपने देखा था पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट गिरे जा रही थी, पिछले 5 से 6 सेशन में मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही थी क्योंकि अमेरिका बाजार भी गिर रहा था, यूरोप में भी कुछ क्राइसिस, बैंक के फ्रॉड्स, बहुत कुछ सामने आया था जिस वजह से मार्केट गिरते जा रही थी। बट हमें इसलिए मार्केट अनसर्टेन है और हमें ऐसे स्टॉक में रहना है ताकि मार्केट कितना भी गिरे बट इन शेयरों को इफेक्ट पड़े। इफेक्ट तो सब शेयरों को पड़ेगा बट इफेक्ट के साथ साथ अगर मार्केट भागेगी तो ये शेयर भागेंगे। तो एक दिन का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग 3.40%, मतलब 103 पॉइंट्स की जंप सीधी देखी गई है, सीधी 103 पॉइंट्स की जंप देखी गई है। इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निफ्टी 50 का बहुत बेहतरीन शेयर है, बजाज फाइनेंस जिसका नाम है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ 5 डेज कंटिन्यूसली गिर रहा है बट ये शेयर में डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेयर उन शेयरों में आता है कि इसे बस एक न्यूज़ चाहिए, ओके, मार्केट थोड़ा सा भी अप जाएगा तो ये शेयर भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा एक दिन बस मार्केट अप हुई, ओके, निफ्टी बढ़ा, सेंसेक्स बढ़ा, ओके, तो ये शेयर भी भागने लग गए। ये शेयर भी देखिए 103 मतलब 3.40% की जंप। शेयर महंगे जरूर है, ओके, 100 शेयर 5-5, 10-10 रुपये 100-100 रुपये के रखने से अच्छा है कि एक शेयर ही 3,000 रुपये का हो। जरूरी नहीं है कि हाँ 100 शेयर ही खरीदो, एक शेयर खरीद लो, ये में फ्यूचर में ये आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के देगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ, देखिए 5 रुपये का शेयर हुआ करता है 2002 में और इसका मैक्सिमम अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो लगभग 5,000 रुपीज़ तक ये गया है, मैक्सिमम इसका 5,000 है। तो अगर ये आप अगर यहाँ से कंट्री इसे आप देखना भी चाहेंगे ना, अगर किसी ने 2002 में 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे, आप 1,000 रुपये या 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे तो रिटर्न देखिए 83,060.87% की रिटर्न। इतने रिटर्न आपको कोई दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, बहुत बेहतरीन है। जिन्होंने ले रखा है वो इसे बेचना भी नहीं चाहते। ये जब पेंडेमिक हुआ था तो आप देख रहे हैं क्या 5,000 रुपीज़ से 1,700 और 1,800 रुपये ये शेयर आया था और फिर भी लोगों ने नहीं बेचा, होल्ड किया और उन्हें पता है क्योंकि ये शेयर की कीमत क्या है और ये शेयर क्या है। देखिए फिर भी ये कितना विद 71% बढ़ गया, 71% पेंडेमिक से जब ये मार्केट गिरा था उससे लेके अभी तक लगभग 71% गिर गया। और अभी ये जैसे ही कल जैसे सुप्रीम कोर्ट का बैंक से और फाइनेंस और मोरेटोरियम से रिलेटेड जब न्यूज़ आ जाएगी तो ये शेयर फिर भागेंगे। बट अभी मार्केट अनसर्टेन है, ओके, US में बहुत कुछ इलेक्शन है, बट ये मार्केट जितना गिरेंगे आप उतना उठाते रहिए, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी एज पर योर कैपेसिटी और डेफिनेटली ये आपको फ्यूचर में इतना मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। आपने 5 साल 10 साल 15 साल जैसे अभी दिखाया था 2002 में आया था और आज 2020 मतलब 18 साल में कितने किस तरीके के रिटर्न दिए। अगर आप इस तरीके से वेट करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल तो ये शेयर 3,000 रुपये नहीं रहने वाला, ये शेयर 30,000 और पता ही नहीं कितना हो जाएगा और आपको बोनस प्लस में क्या क्या देगा तो आपको कुछ नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे।
इसका आज का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, तो 1783 में 27 मई को मिल रहा था, लगभग 5000 रुपीज़ 52 वीक हाई है। ट्रेडिंग सेशन में बात की जाए तो लगभग 15% की डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इंफॉर्मेशन में आपको बता दें, शेयर होल्डिंग पैटर्न 56.20, पब्लिक के पास 43.58, एज वेल एज डिविडेंड देखिए 10 रुपये 6 रुपये 4 रुपये, इस तरीके का डिविडेंड हमेशा ही दिया है। बोनस भी दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं 2016 में, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, तो इसलिए बहुत बेहतरीन शेयर है, इसे अपनी नज़र में बना के रखिए। आइए दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं, बजाज फिनसर्व की तरफ। तो वीडियो ऑलरेडी मैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत मैंने करके आपको बता रखा है, अब पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, बजाज फिनसर्व के ऊपर भी, बजाज फाइनेंस के ऊपर भी। तो बजाज फिनसर्व के बारे में बात करना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस है तो बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व इसका पेरेंट कंपनी है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से इसका बाप है, बजाज फाइनेंस का बाप है बजाज फिनसर्व। ओके, क्योंकि बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस की लगभग 50+ की कंट्रीब्यूशन वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वन डे का चार्ट पैटर्न सेम उसी वही कहानी में दोहराना चाहूँगा, 6.60% की जंप, मतलब 357.90 358 रुपये का जंप देखी गई है एक ही दिन में। देखिए मार्केट गिर रही थी तो ये भी गिर रहा था, क्योंकि ये कोई अलग तो है नहीं, जैसे सब गिरेंगे ये भी गिरेगा नो डाउट, बट ये रिटर्न जिस तरीके से देगा आप भाग आपको पकड़ में भी नहीं आएगा, जब ये भागेगा तो केवल भागेगा, फिर आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये शेयर वो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। देखिए पेंडेमिक में ये भी गिरा था, तो ये गिरा था और फिर इसके बाद क्या रिटर्न दिया इसने आप देख लीजिए, 35% 36% के रिटर्न अभी भी दे चुका है जब से गिरा है। 10,000 रुपये पे ये शेयर चलता था, और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 632 2008 में ये कंपनी जब NSE में लिस्ट हुई थी 632 पे ये शेयर चलता था, और बीच में गिरावट भी हुई, बट जिसने भी इन शेयरों को ख़रीदा है और रखा है अपने पोर्टफोलियो में उनकी किस्मत डेफिनेटली बनी है, अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न, 10,000% के रिटर्न, 80,000% के रिटर्न। तो इन दोनों शेयर पे नज़र बना के रखिए, जितना गिरे उतना उठाइए, बाय एंड डिप्स करते रहिए, क्योंकि यही ये वो शेयर है जो दिशा तो मार्केट की तरह ही, जैसे मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेंगे, बट मार्केट भागेगी तो ये शेयर सबसे पहले भागने वाले, और किस तरीके से भागेंगे, इस तरीके से भागेंगे, 6% 7% एक एक दिन में रिटर्न देंगे। तो इनमें की तरफ नज़र रखिए, NSE में के देख लीजिए, 52 वीक लो देखिए लगभग 4000 रुपीज़, ओके, एंड 52 वीक हाई देखिए लगभग 10,000 रुपीज़, इसका 52 वीक पेंडामिक से पहले चलता था, लगभग 17% की यहीं 16.5% की डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन सेम, शेयर होल्डिंग पैटर्न 60.80, डिविडेंड सेम 5 रुपीज़ 2.5, ओके, इस तरीके के डिविडेंड भी दे रहा है और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और फिनसर्व के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें दो बिज़नेस जुड़े हैं, एक तो बजाज फाइनेंस का और एक जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस भी इसके अंडर आता है, और फ्यूचर में इंश्योरेंस किस तरीके से बढ़ने वाला है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक हुआ है लोग फ्यूचर में इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं, पहले खरीदते थे कि उन्हें टैक्स डिडक्शन से रिलीफ मिल जाए, बट अभी खरीदेंगे हेल्थ कॉन्शियस को लेके, क्योंकि एक बार जब हॉस्पिटल जाते हैं तो बिल किस तरीके से आता है मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये जो शेयर है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों की तरफ ध्यान रखो, महंगे ज़रूर है, 10 शेयर लेने की ज़रूरत नहीं है कि 10 शेयर 100 शेयर लिए, 1000 शेयर ले लिए, 50-50 पैसे वाले, 5-5, 10-10 रुपये वाले, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। एक शेयर खरीद लीजिए 5000 रुपीज़ का, एक शेयर खरीद लीजिए 3000 रुपीज़ का, और आपके पास जैसे जैसे आते रहे इस तरीके से इन शेयरों में आप SIP करते रहिए, बाय ऑन डिप्स करते रहिए, जब जब गिरे तब तब उठाइए, और फाइनली देखना आपको क्या रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर में चल के, आप खुद कहेंगे कि किस तरीके के मल्टी बेगर रिटर्न मिले हैं। तो लोगों ने आज भी शेयर जो उन्होंने ले रखे हैं, उन्होंने रख रखे हैं, उनको पता भी है कि शेयर की कीमत क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरा मकसद बस यही है कि आपको अच्छे शेयर के बारे में बताऊं। मैं आपको दूसरों की तरह छोटे छोटे शेयर बताना कि 10 रुपये के शेयर है, 20 रुपये का, वो बताना नहीं चाहता। वो शेयर मार्केट में 8,000 और 9,000 कंपनियाँ लिस्ट है जो 1 रुपये से 50 पैसे से लेके आपको 50,000 तक का शेयर मिल जाएगा, बट अच्छे शेयर में रहोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और प्लस में आपका रिवार्ड
डेफिनेटली फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बनने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इस बॉस ऑफ शेयर बाजार, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सबको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।